तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आप अगर स्विगी पर रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद आपको अगर फाइनल अप्लीकेशन में पेमेंट करने का जो ऑप्शन आता है उस पर जाने के बाद आपको एक एरर आया था देखने को, प्लीज़ इंटर मैंडेटरी वैल्यू, तो इसको आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको भी यहाँ पे ऐसे दिक्कत आ रहा है, आप यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपने वहाँ पर किसी तरीके से पेमेंट कर दिया भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो एप्लीकेशन आपका वेरिफिकेशन में जाएगा तो वहाँ पे आपका एड्रेस मिसमैच होने के कारण वहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपने एड्रेस एक बार गलत डाल दिया और उसके बाद जब आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रेस्टोरेंट चालू हो पाना। क्योंकि जोमेटो में अगर आपका यहाँ पे 5 बार 10 बार भी रेस्टोरेंट रिजेक्ट होता है, फिर भी हम यहाँ पे आपका चालू कर देंगे, लेकिन अगर आपका स्विगी में होगा तो यहाँ पे आपको एक नया फूड लाइसेंस भी बनवाना हो सकता है, एक लाइसेंस आपको नया लेना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही दिक्कत होता है, इनका ईमेल का सर्विस बहुत ही बेकार है, यहाँ पर कोई भी आपको रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिलेगा। आप कोशिश करके जाओगे, आपको महीने लग जाएगा, आपको यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक रेस्टोरेंट आया है और इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका भी एप्लीकेशन वगैरह फिलअप हो चुका था और फाइनल पेमेंट के टाइम पे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने पे एक एरर आपको देखने को मिलेगा कि प्लीज़ इंटर मैंडेटरी वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे आया था, तो हम इसको पहले अच्छे से सब कुछ करते हैं, एडिट वगैरह करेंगे सब कुछ A to Z पूरा फॉर्म को, और इसके बाद हम यहाँ पे फाइनल यहाँ पे आएंगे और पेमेंट का ऑप्शन देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है और इसको लाने में हमने यहाँ पर बहुत ही मेहनत किया है, सब कुछ एक एक चीज़ को हमने एक एक लाइन को अच्छे से देखा है और पूरे फॉर्म को हमने फिलअप किया है। और इसके बाद अब यहाँ पे हमारा पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, तो जिनका भी ये रेस्टोरेंट था उन्होंने यहाँ पे हमें पैसा भी भेज दिया है कि आप ही पेमेंट कर देना, और यहाँ से हम अपना फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे कुछ भी यूज़ करके यहाँ से हम इनका पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर चला जाएगा रिव्यू में, और अभी तक हमने यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट यहाँ पर क्लाउड किचन को ऑनबोर्डिंग को कम्प्लीट किया है और वह सबके सब यहाँ पर स्विगी में 4 से 5 घंटे में हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है रेस्टोरेंट। जोमेटो में आपको यहाँ पर 1 से 2 दिन लग जाता है, 24 घंटे के 48 घंटे के आसपास उसमें लगता है, लेकिन स्विगी में सबसे फास्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है, आपका रेस्टोरेंट चालू होता है। और अगर आपने इसमें कुछ गलती से फिलअप भी कर दिया गलती, तो यहाँ पे जब आपका रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि स्विगी में होने के बाद यहाँ पर हमने एक कस्टमर का 14 से 15 दिन तक ईमेल कर करके यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आया उधर से, तो फिर हमने उनका छोड़ दिया। तो अगर आपको ये सब कराना है तो आप ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, अगर आपका एक बार यहाँ पे फंस जाता है तो आप इसको छोड़ दें और उसके बाद आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नंबर यहाँ पे, मतलब मेरा नंबर आपको दिख रहा है डिस्प्ले पर, आप इस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर हमसे बात करेंगे वैसे ही आपका 5 से 6 मिनट में यहाँ पर आपका रेस्टोरेंट चला जाएगा रिव्यू में, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर केवल पेंडिंग बचा हुआ है, 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर पहले ही के पहले यहाँ पे ये अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट अप्रूव करने में 5 से 6 घंटा लगेगा स्विगी को, और इसके बाद यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट ऑन हो जाएगा और लाइव भी हो जाएगा, और इसके बाद आप वहाँ पे ऑर्डर वगैरह भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं जोमेटो और स्विगी के मदद से। और सबसे बढ़िया है कि आप क्लाउड किचन खोल सकते हैं, और क्लाउड किचन में भी आप यहाँ पे हमसे फूड लाइसेंस लेकर के जोमेटो स्विगी पे ऑनबोर्डिंग करा करके आपको हम सब कुछ A to Z करके देंगे, और आप घर से ही बढ़िया पैसा कमा सकते हैं फूड को सेल करके। तो नंबर डिस्प्ले पर दिख रहा है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।